हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट का चेकअप कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसमें कितना दर्द फील होता है। तो आज यही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इन्फॉर्मेशन अगर आप पूरी चाहते हैं तो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका वेजाइनल चेकअप किया जाता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है। वो कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग की समस्या हो गई है तो उस दौरान डॉक्टर आपका प्राइवेट पार्ट का चेकअप कर सकती है। वो ये कंफर्म करने के लिए करती है कि ब्लीडिंग कितनी हो रही है, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया है। अब आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में प्राइवेट पार्ट का चेकअप नहीं किया जाता है। बहुत कम ऐसे रेयर चांसेस होते हैं जब सेकंड ट्राइमेस्टर में आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप किया जाता है। मोस्टली प्रेगनेंसी में जो प्राइवेट पार्ट का चेकअप किया जाता है वो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हो सकता है। डॉक्टर के पास आप लास्ट विजिट के लिए जाते हैं तो उस दौरान डॉक्टर आपका प्राइवेट पार्ट का चेकअप कर सकते हैं। वो ये जानने के लिए कि आपकी बच्चेदानी का मुंह कितना खुला, मतलब कि आपका सर्विक्स का मुंह कितना ओपन हुआ है। टू फिंगर आपके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करती है और चेक करती है कि आपका जो सर्विक्स है वो कितना ओपन हो गया है, जिसके बेसिस पे फिर वो आपको कंफर्म कर देती है कि आपके बच्चेदानी का मुंह एक फिंगर खुला है या दो फिंगर खुला है। बच्चेदानी का मुंह ज़्यादा खुल गया है तो फिर आपको वो डिलीवरी का टाइम दे देती है कि इतने दिनों बाद आप आ जाइए या फिर आप जब लेवर पेन हो जाए तभी आइए। इस तरीके की वो आपको कंफर्मेशन दे देती है। अब बात करते हैं कि इसमें कितना दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका डॉक्टर प्राइवेट पार्ट का चेकअप करती है तो आपको एक इंस्ट्रक्शन देती है। वो क्या होता है, वो बोलती है आपको कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स छोड़ने से क्या होगा, जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे तो आपको दर्द नहीं फील होगा। और अगर आप हेजिटेशन की वजह से, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो माँ बनती हैं तो वो थोड़ी सी हेजिटेट हो जाती हैं प्राइवेट पार्ट के चेकअप से, जिस वजह से वो अपनी मसल्स हैं उनको टाइट कर लेती हैं, फिर उनको दर्द हो सकता है। तो अगर आपका भी डॉक्टर प्राइवेट पार्ट का चेकअप कर रही है तो उस दौरान आप यही कीजिएगा, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, मतलब ढीला छोड़ दीजिए, मसल्स को टाइट मत रखिए, नहीं तो फिर आपको भी दर्द फील हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप लेडीज डॉक्टर ही करती है, इसलिए आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम ये जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल कॉमन बात है, हर लेडीज़ के साथ होती हैं, इसलिए आप ज़्यादा शाई और ज़्यादा हेजिटेट मत होइए। तो बस यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जिसे ज़रूरत होती है छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातों का, वो छोटी छोटी बातें ही आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।